नमस्कार दोस्तों और आदरणीय नरुल सर को चरण स्पर्श। मेरा नाम रमन है और मैंने इस बार NTA UGC NET JRF की परीक्षा में JRF क्लियर किया है। कॉम्पिटिशन एकेडमी की क्लासेस में यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से देख रही थी, 3-4 महीने के आसपास से। फिर मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे पेड क्लासेस लेकर देखनी चाहिए, क्योंकि फ्री क्लासेस में इतना कुछ वो बताते हैं तो पेड क्लासेस में भी बहुत कुछ बताते होंगे, कुछ तो बात होगी। तो मैंने जुलाई 2022 के आसपास मैंने पेड क्लासेस ज्वाइन की। और हालांकि नेट में 2 बार पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे JRF लेना था और मुझे UPSC की परीक्षा की तैयारी भी मैं कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे तैयारी करनी थी। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, तो ज़रूरत थी कि सिस्टमेटिक तरीके से चला जाए। तो जिस तरह से नरुल सर पढ़ाते हैं, वो प्रॉपर नोट्स, PDF नोट्स, लिंक क्लासेस के, इसके अलावा वो लाइव क्लास, तो वो दिन भर में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब आपको किताबों की, मैंने सच में कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई किताब ऐसे पर्टिकुलर नहीं खरीदी है कि हाँ मुझे इससे तैयारी करनी है। और क्योंकि इतना कुछ वो बताते हैं, वो कुछ भी तो नहीं छूटता है उसमें। इसके अलावा उन्होंने एक समझ विकसित की है जो मैं महसूस करती हूँ कि किस तरह से हमें पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, या एक मतलब उस पर याद करने वाली चीज़ें नहीं, समझ विकसित उन्होंने हमारे अंदर की है। बहुत सारे बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने तो महसूस किया है और अच्छा लग रहा है। और कंपटीशन एकेडमी को धन्यवाद, नरुल सर को धन्यवाद। बाकी तो क्या ही कहूँ, समय की थोड़ी सी मेरे साथ समस्या होती है। मैं लाइव क्लासेस या मतलब प्रॉपर तरीके से मैं वो सिस्टमेटिक होता है कि हाँ समय से मैं नहीं कर पाती हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ में। तो लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसा नरुल सर पूरे दिन में जो मटेरियल भेजते हैं, वो 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर वो सारा पढ़ लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है जो मुझे लगता है। और नरुल सर हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मैंने ऐसा टीचर या मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा गाइडेंस देने वाले नहीं अभी तक देखे हैं। इतना समय हो चुका है, काफ़ी सारे लोगों से जुड़ी हूँ, लेकिन नरुल सर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, या ये कह सकते हैं कि गाइडेंस जो वो देते हैं वो हटके है थोड़ा सा, इतना कोई नहीं करता है। और